हाय दोस्तों, मैं हरविंदर जीत बिट्टा स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे बिट्टा नूरा डायरीज। सो दिस इज माय फर्स्ट हिंदी व्लॉग। ये व्लॉग मैं हिंदी में बना रहा हूं। सो आज हम जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर में, और ये मंदिर दिल्ली में भी है और दिल्ली में और इंडिया में काफ़ी और जगह पे भी है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ये मंदिर है न्यू जर्सी में। सो ये रेस्ट एरिया था यहाँ पे, तो सोचा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय, कॉफ़ी, जो भी आपका दिल करे। आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे अंदर जाके कॉफ़ी वगैरह लेके आते हैं, फिर उसके बाद बैक टू आवर जर्नी। अमेरिका में हर जगह पे ये रेस्ट एरियाज बने होते हैं, ताकि अगर आप कुछ ट्रेवल कर रहे हो, आपको रेस्ट चाहिए, यहाँ पे गैस स्टेशन होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं और खाने पीने का सब सामान होता है। अब हम चलेंगे सीधा मंदिर, तो वहीं पे जाके गाड़ी रोकेंगे, आगे का नज़ारा आप देखते हैं मंदिर च। हमें बस एक ही बात का वो डर है कि हमारे पास इजी पास नहीं है, साढ़े को इजी पास है नहीं, पर हमने रीड किया था कि वो घर पे आपको एज अ टिकट, एज अ बिल आपको सेंड कर देंगे वो, तो आप घर से भी ईमेल से या अपने कार्ड से उसको पैसे भर सकते हैं। देखो जी कितना सही व्यू है। हो गए न्यू जर्सी में अब एंटर, तो आप आ गए हम न्यू जर्सी के बीच। ये लास्ट टोल सीगा न्यूयॉर्क का, ऑन द वे टू अक्षरधाम मंदिर। मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, और ये राइट साइड पे हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा साहब भी है। मेरे सच्चे पासे गुरुद्वारा साहब है, तो बिल्कुल सामने अपने मंदिर है, ये गुरुद्वारा साहब है, और बिल्कुल सामने हमारे अक्षरधाम मंदिर है, और ये है मंदिर की एंट्रेंस। जाके सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्किंग। ये बहुत एक खुला खुला सा एरिया है, और यहाँ पे मैंने सुना एक झील टाइप जैसे लेक होता है वैसे, बिल्कुल सामने देखो, अभी मैंने बात ही की, और राइट साइड पे है, एंट्रेंस के पास ही है। संडे है, और मंदिर की जो टाइमिंग मैंने ऑनलाइन चेक की थी वो 7:30 बजे की है, 7:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, और इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। वन बाय वन गाड़ियां जा रही हैं। हुण आपां चलते हैं पार्किंग वल, कितने खुली जी थां ते पार्किंग करते हैं, और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। बहुत बिजी है ना? बहुत बिजी लग रहा है आज, क्योंकि आज संडे है ना, फिर और लेफ्ट साइड है ना पार्किंग, आगे जाके लेफ्ट करो तो। हाँ, हमें एक स्पॉट दिख गया है, ये क्या वहाँ पे तो बहुत सारी पार्किंग है। चलो जी ये बढ़िया हो गया, इत्थे ला दिए ना। हाँ जी, और दोस्तों ये नीचे काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें पढ़ने के लिए, ज्ञान प्रदान की बातें लिखी हुई हैं। और ये दोस्तों पूरा यहाँ पे अ जर्नी लाइक नन अदर। अगर आपने पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और ये पूरा इंडिया का यहाँ पे मैप है, जैसे ये इंडियन ओशियन, इंडिया, ये पूरा देखो इंडिया का नक्शा बना हुआ है, और यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल, हिमालय, तिब्बत, मतलब जो भारत हिंदुस्तान पहले होता था ये बिल्कुल पूरा उसी तरह है। और यहाँ पे स्टोन्स के ऊपर आप वीडियो को पॉज करके ये रीड कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे बहुत ही मतलब लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रिम साइट्स ऑफ इंडिया विजिटेड बाय नीलकंठ वर्नी ड्यूरिंग हिज जर्नी, अयोध्या, हरिद्वार, श्रीनगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेक मानसरोवर, गंगोत्री। अब मंदिर के अंदर चल के देखते हैं
और सबसे पहले तो मैं अंदर जाके भी मैं सब तो पहला मत्था टेकना चाहना है, तो फिर उस तो बाद मैं वीडियो अभी कंटिन्यू करूँगा। मंदिर के अंदर मेन जो प्लेस है जहाँ पे आप माथा टेकते हो वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है बनाना। ये इतना प्यारा म्यूजिक जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, दिमाग पूरा ऐसे रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल एक तरह के जैसे रॉयल पैलेस होता है ना, बिल्कुल वैसा है ये। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, मैंने सुना है कि ये इंडिया से उन लोगों ने बुलाया था मजदूरों को। जो खुशबू है ना बहुत बढ़िया लग रही है। ये जो स्टैचू है ना दोस्तों, ये नीलकंठ वर्णी योगी का है और ये उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक छोटा सा तालाब, झील, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और ये सेम टेंपल दिल्ली में है, इंडिया में कई जगह पे है। दोस्तों एक ना अलग ही तरह की एक शांति है यहाँ पे, एक सुकून है, मतलब दिमाग नू बहुत शांति मिलती है। मैं बहुत टाइम बाद मंदिर च आया, आज पीछे स्लो स्लो म्यूजिक चल रहा बैकग्राउंड च, बहुत वधिया लग रहा। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ पहले भी मैंने वीडियो में बोल दिया है कि अंदर जहाँ पे माथा टेकते हैं ना, जिथे मत्था टेकते हैं वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और मैं किसी भी किसी के सेंटीमेंट्स को और उस चीज़ को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, और मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो दिस इज द अमेरिकाज बिगेस्ट टेंपल, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर। वो बिल्कुल हमारे सामने एंट्रेंस है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही कमाल की, ये क्या बोलते हैं इसको, मीनाकारी आर्किटेक्चर, बहुत कमाल का आर्किटेक्चर है। और ये दोस्तों मंदिर की एंट्रेंस है यहाँ पे, और मुझे पता नहीं है कब जाके वीडियो बंद हो सकती है। और जितना भी मैं शूट कर सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए जहाँ भी वीडियो बंद करनी होगी वहाँ पे वीडियो बंद कर देंगे। और अंदर चलते हैं, और ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ओरिएंटेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क, मंदिर, पूरा आपको डायरेक्शंस जो उन्होंने दी हुई हैं, और ये हिंदी में लिखा हुआ है अक्षरधाम मंदिर स्वागतम, आई थिंक वो स्पेनिश में लिखा हुआ है वहाँ पे। और मंदिर के आप जब एंटर होंगे, उसको एंटर होते ही आपको ये देखोगे यहाँ पे मंदिर, ओरिएंटेशन थिएटर, रेस्टरूम, विजिटर इंफॉर्मेशन, कैफे। और सबसे पहले हम लोग माथा टेकेंगे और फिर उसके बाद। ये मंदिर के अंदर का व्यू है दोस्तों, देखो कितना सही आर्किटेक्चर है, और ऊपर पूरा वो ग्लास का बना हुआ है, इट्स रियली अमेजिंग। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत सही व्यू है, आर्किटेक्चर कमाल की है, बिल्कुल राजे महाराजाओं जैसी है। तो ये देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन थिएटर, पूरा अंदर थिएटर बना हुआ है, और पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो एकदम से मैंने ना ये डिज़ाइन देखे यहाँ पे दीवारों पे, देखो, और ये दिए जो जल रहे हैं
आ दोस्तों जिहड़े दीवे जल रहे है यह मतलब कि फायर नहीं है, ये आग नहीं है, ये आर्टिफिशियल है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आग के दिए चल रहे हैं। और ये देखो डिज़ाइन, और यहाँ से है मंदिर की अगली एंट्रेंस। बहुत बारीकी वाला काम किया हुआ है, कितना बारीकी दे नाल काम किया हुआ है। तो दोस्तों जो बिल्कुल सामने देख रहे हो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पे एक नया मंदिर बनेगा, माइंड ब्लोइंग। और काफ़ी यहाँ पे गोरे लोग भी आए हुए हैं, बिल्कुल द्वारिका नगरी लग रही है। और इसको अगर हम क्लोजली देखेंगे तो ये श्री कृष्ण राधा जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये व्यू है दोस्तों अंदर का मंदिर का, अमेजिंग। देखो दोस्तों ये मंदिर के अंदर का व्यू है और आई डोंट थिंक सो अंदर कैमरा अलाउड होगा, तो यहाँ से जितना जूम हो सके ट्राइंग टू जूम इट। लेके जाना है आज दोस्तों। अब मैं अंदर से बाहर आया हूँ और अंदर का जो व्यू था मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना, मतलब कि बहुत सही था, अमेजिंग, अल्टीमेट। मतलब मैंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट की, उस चीज़ को कायम रखा, मर्यादा को, तो मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई। वो चीज़ मतलब खुद जाके दर्शन करें तो ही अच्छी लगती है। शायोना स्नैक्स एंड स्वीट्स। तो दोस्तों ये हैगा इत्थे कैफेटेरिया, एक इधर नमकीन है, है ना, जलेबी सी, आयुर्वेदिक सारा दूजा, हो आयुर्वेदिक चीज़ा इत्थे। यहाँ पे दोस्तों मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, हर तरह की मिठाई, कुछ सामान मैंने लिया है यहाँ पे, आम पापड़, जलेबी और स्वीट मैंगो चटनी मसाला। ये तो स्वीट लगती है ना, ये लीए
वाले लड्डू बहुत वधिया होंदे आ, बूंदी लड्डू 850। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਭਰ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਓ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਾਲੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਥਾਲੀ ਹਮ ਲੋਕ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ 5 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਢੋਕਲਾ, ਫਾਫੜਾ, हमारी थाली बता रही है कि हम लोग पंजाबी हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ओ हाँ जी दोस्तों, हुण आपां लंच डिनर दोनों खत्म करता, हुण वापस जावांगे। हाँ जी दोस्तों, अब बाहर आए हैं तो देखा पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। देखो जब मैं आया था तो पूरी रोशनी थी। दोस्तों वीडियो तो एंड है, जो मैं पंजाबी ची करन लगे हैं, क्योंकि जो मैं गल करन लगे हैं ना, वो मतलब मैं पंजाबी दे विच ही वो गल फीलिंग दे नाल कर सकदा हैं। मंदिर के अंदर जाके मैं सच्ची दसदा, पता केड़ी फीलिंग आई। इंडिया च जदों हुंदे सी ना, छोटे हुंदे सीगे ते फिर मैरिज फंक्शन ते विआह शादियां ते जांदे हुंदे सी, ते उत्थे जाके ना कई वारी वो रिश्तेदार या वो जान पहचान दे लोग मिलदे सी, जिन्हां नूं मिले हुए 3-4 साल हो जांदे सी, 5 साल हो जांदे सी, तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग आई अंदर जाके। मैं किसी नूं जानता नहीं सी, पर मैं सारे लोगों नूं देखी गया, ज़्यादातर मतलब पूरा इंडिया ही सीगा। मैं एक कम्यूनिटी का नाम नहीं लेना चाहता गा, वो मतलब रोंग हो जाऊगा। तकरीबन पूरा इंडिया सी अंदर, तो मैं किसी नूं जानता नहीं सी, तो मैं लोगों नूं देखी गया। तो कोई आपदे बच्चों के नाल, कोई मतलब भैन भरा है, कोई हसबेंड वाइफ है, कोई माँ प्यो आए हुए है आपदे बच्चों नूं लैके, बहुत वधिया लगे उन्होंने देख। अमेरिका दे विच किसी ने भी पूरा इंडिया देखना ना, अमेरिका दे विच रह के तो वह अक्षरधाम मंदिर है, तो इत्थे जरूर विजिट करके जान। मैनू पता ही नहीं लग्या कदों टाइम, मतलब कि दिन तो रात होगी। देखो जदों आया सी पूरी धुप सी। ये मंदिर अक्षरधाम न्यू जर्सी दे विच है, विंडसर दे विच। ते जरूर इत्थे अमेरिका च कोई किते भी रहिंदा, किसी भी स्टेट च जो भी टाइम मिले ना, लाइफ च एक बार इत्थे विजिट करके जरूर जावे। तो मैं अंदर जाके ना वीडियो बनानी तो भुल ही गया सी, मैं वीडियो बनानी बंद करती सी उत्थे, क्योंकि मैं इंजॉय इन्ना करन लग गया अंदर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में जल्दी। रब रखा।